हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफ लाइन हेल्थ केयर पटना। आज हम लोग बात करेंगे कि अस्थमा का डायग्नोसिस कैसे होगा, हाउ टू डायग्नोज अस्थमा। तो इसके लिए पहले कंप्लीट क्लिनिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, दूसरा पीएफटी जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं या स्पायरोमेट्री बोलते हैं, तीसरा पीईएफआर पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। और भी टेस्ट करवाते हैं लेकिन डायग्नोसिस के लिए इतना पैरामीटर अभी चाहिए, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे बन सके। तो पहला है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या क्या देखें। पहले पेशेंट का सिम्टम रहेगा ब्रेथलेसनेस, व्हीजिंग, यानी फर्स्ट तो रहेगा कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रेथलेसनेस आ रहा है। व्हीजिंग का मतलब हुआ म्यूजिकल साउंड चेस्ट से आ रहा है, जो कि रात को अगर साइलेंट एटमॉस्फेयर है तो उसमें ज़्यादा फील होगा। चेस्ट टाइटनेस लग सकता है, खांसी हो सकता है, खांसी के साथ म्यूकस प्रोडक्शन हो सकता है क्योंकि इसमें एयरवे का इन्फ्लामेशन होता है और ब्रोंकोस्पाज्म होता है। तो इसमें एग्जामिनेशन में और हम देख सकते हैं कि एसेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा एक्टिव होगा। पेशेंट सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि ब्रेथलेसनेस होने के कारण सेंटेंस में ब्रेक आता है, कंप्लीट नहीं कर पाता है। और ऑस्कल्टेशन में उसमें रोंकाई आता है, जो कि म्यूजिकल ऑस्कल्टेशन अगर स्टेथो लगाते हैं तो म्यूजिकल साउंड एक आता है जिसको कि रोंकाई बोलते हैं। तो इन सारा फीचर को देखने के साथ पीएफटी करना है। पीएफटी में मेन पैरामीटर क्या देखते हैं, एक होता है FEV1 फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। तो FEV1 मेजर करेंगे दो मोमेंट में, जो स्पायरोमेट्री करते हैं एक बिना दवा लिए हुए, दूसरा रीडिंग लेंगे कि ब्रोंको डायलेटर थेरेपी देते हैं उसके 20 मिनट के बाद लेते हैं। तो दोनों रीडिंग के बीच का डिफरेंस FEV1 का इंक्रीज 12% से अधिक हो या 200 मिलीग्राम से अधिक इंक्रीज करता हो ब्रोंको डायलेटर थेरेपी के बाद, यह अस्थमा का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। सेकेंड क्या है, अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट करवाते हैं पेशेंट का, पहले प्राइमरी बेसलाइन पे स्पायरोमेट्रिक पैरामीटर ले लिए, FEV1 का मेजरमेंट ले लिए, 6 मिनट वॉक किया, उसके बाद फिर FEV1 मेजर किए, उसके बाद 15% से अधिक अगर डिक्रीज कर रहा है, अगर 15% से ज़्यादा अगर डिक्रीज कर रहा है FEV1 का मेजरमेंट, ये ब्रोंकोलाज्मा का फीचर है। और तीसरा है PEFR, that is peak expiratory flow rate, ये अगर मेजर करते हैं दिन और रात में तो ड्यूरनल वेरिएशन यानी डे नाइट का वेरिएशन मोर देन 20% होता है, मॉर्निंग में डीप होता है, थ्रू आउट द डे अधिक रहेगा। अगर 20% से अधिक डीप आ रहा है ये भी अस्थमा का फीचर है, लेकिन ये फीचर सप्ताह में मोर देन 3 डेज आना चाहिए और कम से कम 2 सप्ताह तक आना चाहिए। ये सारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है अस्थमा का। थैंक यू।